नमस्कार किसान साथी, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा की। किसान साथियों, यूपी की राजधानी लखनऊ के नज़दीक बाराबंकी जिला है जो यकूती आम के लिए देश विदेश में मशहूर है। यहां आम के बड़े बड़े बाग हैं जो लगभग 12,000 हेक्टेयर जमीन में फैले हुए हैं। यहां एक कहावत भी बड़ी मशहूर है, आम यहां के खाए जो वो ललचाए, जो ना खाए वो पछताए। जी हाँ, यहां के जो रंग बिरंगे जो आम हैं वो बाजार में आजकल धूम मचाए हुए हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत, रंगीन, खाने में स्वादिष्ट, दाम में महंगे भी हैं। ये आम सिर्फ बाराबंकी जिले की ही पैदावार है जो मसौली के बड़े गाँव में हजारों बीघे में जो फलते फूलते हैं। आमों की जो अच्छी फसल है उससे किसान साथी एक सीजन में 15 से 20 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। ये आम 100 से 200 रुपए प्रति किलो आराम से बाजार में बिक जाते हैं, जिससे किसान साथियों को ज्यादा मुनाफा होता है। यूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब आने वाले दिनों में इस जिले का जो नाम है मत्स्य पालन में भी जाना जाएगा, क्योंकि दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 19 पर चंदौली में स्थित नवीन मंडी स्थल परिसर में 1 हेक्टेयर में तकरीबन 62 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अल्ट्रा मॉडल मछली मंडी जो बन रही है। इस मंडी के शुरू होने से पूर्वांचल के मछली पालकों की आय दोगुनी होने से ज़्यादा की उम्मीद जो है सरकार द्वारा जताई जा रही है। इस 3 मंजिले इमारत में होलसेल, रिटेल और मछली पालन से संबंधित सभी उपकरण, दवाएं, चारा आदि सब कुछ एक छत के नीचे उपलब्ध होगा। इस फिश मंडी के बनने से मछली के आयात और निर्यात की जो संभावनाएं वो भी बढ़ेगी और जो वहां के मछुआरे हैं उनको भी अच्छी खासी जो बढ़ोतरी है आय में होने जा रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में झींगा मछली का पालन करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें झींगा मछली के लिए घरेलू बाजार मिल जाएगा। तीनों राज्यों में अगर पंजाब की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 12 से 13 एकड़ एरिया में झींगा पालन हो रहा है। तीनों राज्यों में कुल मिलाकर 2,500 एकड़ एरिया में झींगा पालन किया जा रहा है। यह पहला मौका है कि जब उत्तर भारत में झींगा का पहला रेस्टोरेंट झींगा लाला खुलने जा रहा है। हालांकि गुजरात में झींगा लाला की शुरुआत हो चुकी है। झींगा लाला के घरेलू बाजार को बढ़ावा देने के लिए मछलियों के डॉक्टर मनोज शर्मा ने इसकी शुरुआत की। पंजाब में सबसे पहले झींगा की शुरुआत मुक्तसर साहिब, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदपुर, भटिंडा, मानसा में की गई थी। यहाँ खारे पानी के चलते हुए कोई भी दूसरी खेती नहीं हो पाती। किसान साथियों, अगर आप भी सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो सोयाबीन की जो किस्म है NRC 157 मध्य अवधि की जो किस्म आपके लिए काफ़ी उपयुक्त होगी, जो केवल 93 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। इस किस्म की जो औसत उपज है 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मानी गई है। यह किस्म भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा विकसित की गई। इस किस्म की जो खास बात है इसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट्स, बैक्टीरियल पस्टल्यूल्स और टारगेट लीफ स्पॉट्स की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है काफ़ी ज़्यादा मानी गई है। इसे किसान साथी 20 जुलाई तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इस किस्म को संस्थान ने पिछले साल रिलीज किया था। किसान साथियों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसकी खेती भी की थी और काफ़ी अच्छी पैदावार भी प्राप्त की। किसान साथियों, ऐसी खेतीबाड़ी की जो खबरें हैं, ऐसी जो खेतीबाड़ी की जानकारियां हैं वो हम नित्य प्रति आपको देते रहते हैं। किसान साथियों, अगर आपको भी किसी मुख्य विशेष विषय पर अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने विषय को बता सकते हैं। किसान साथियों, खेतीबाड़ी की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप F2DF TV की जो सीरीज है उसको देखने का काम कीजिएगा। खेतीबाड़ी से जुड़े कोई भी उत्पाद को खरीदने और बेचने के लिए, कृषि उपकरणों को खरीदने बेचने, उनकी किराए पर लेन देन के लिए किसान साथियों F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद।